नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है सुखराम का बैल। सुखराम और उसकी पत्नी मीना बाजार से एक बैल खरीद कर अपने गांव से लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला। वह आदमी बोला, तुम चल क्यों रहे हो? तुम तो बैल पर बैठ सकते हो। सुखराम बैल पर बैठ गया। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें दूसरा आदमी मिला। वह आदमी बोला, तुम्हारी पत्नी चल रही है और तुम बैठे हो? इसलिए सुखराम उतर गया और मीना को बैल पर बिठा दी। और थोड़ी दूर जाने पर इस बार उन्हें एक औरत मिली। वह औरत मीना से बोली, तुम्हारा पति चल रहा है और तुम बैठी हो? ये सुनकर सुखराम भी बैल पर बैठ गया। कुछ दूरी पर उन्होंने एक बच्चे को कहते सुना, कितने कठोर हैं ये लोग, बेचारा बैल पता नहीं इतना बोझ कैसे उठा रहा है। सुखराम और मीना ने बैल को अपने कंधों पर उठाया और चलते रहे। वे समझ ही नहीं पाए कि सबकी बातें मानते रहना बेवकूफी है।